सो बिफोर आई बिगेन दिस एनालिसिस, तुम बताओ कि क्या लगता है तुम्हें यूएसपी होगा तारक मेहता उल्टा चश्मा शो का? कमेंट डाउन। ही उस यूएसपी के अराउंड ही इस सारी आर्गुमेंट को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और ये हम समझेंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद तारक मेहता का डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका था। सो एपिसोड क्या है उसके बारे में बात कर सकते हैं। दिस इज द एपिसोड 446 और इसमें टप्पू सेना, हमारी महान टप्पू सेना, बात कर रही होती है अबाउट द सेविंग द एनवायरनमेंट। और इसमें ना जो बात मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करी, जिसने दे गो टू पोपटलाल एंड उसको जाके ये कहते हैं कि इतनी देर फ़ोन पे बात मत करो, इससे रेडिएशंस का खतरा हो जाएगा, आधा घंटा हो गया तुम्हें बात करते फ़ोन काट दो, तुमने पॉल्यूशन किया है रेडिएशंस का, इसीलिए तुम्हें मेडल पहनाया जाएगा एंड ऑल दैट बुलशिट। सो बिफोर आई टॉक अबाउट द नरेशन एस्पेक्ट ऑफ इट, एक बात समझ लो कि रेडिएशन से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रकार का हमें खतरा होता है। एंड इनफैक्ट साइंस इज डोप की एक बहुत अच्छी वीडियो को मैं लिंक कर रहा हूँ, तुम उसको रेफरेंस ले सकते हो। उसमें बहुत क्लियरली वे में बताया गया कि रेडिएशन से अगर खतरा होता है तो किस चीज़ को होता है और कितने लेवल तक होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर तुम आधे घंटे का एक घंटा फोन पे बात करते रहोगे देन इवेंचुअली इट विल डेटरेट आर एनवायरमेंट। सो वॉच दैट वीडियो एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर आर्क ऑफ दिस, क्योंकि ये सीन ना पूरे तारक मेहता के जितने कैरेक्टर्स हैं उन सबकी कैरेक्टर आर्क को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड उसका आंसर छुपा है इस तारक मेहता शो के यूएसपी में। तो जब मैंने कहा तारक मेहता शो का यूएसपी कमेंट करो, इट इज नन अदर देन दिस सिचुएशनल सिटकॉम स्टाइल ऑफ कॉमेडी विच ऑफ कोर्स इज इन द स्लो बर्न फॉर्म। सो इतना टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली इट मीन्स कि सिटकॉम वो होता है जहां पे एक सिचुएशन के अराउंड कैरेक्टर्स बिल्ड किए जाते हैं और उनमें उन्हें प्लेस करके कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है विच एक्ट्स एज फनी फॉर द ऑडियंस वॉचिंग इट बट नॉट फॉर द पीपल रीलिविंग इट। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल अगर तुम स्टडी करना चाहते हो तो किसी भी एपिसोड को उठा लो और तुम देखोगे जो करेक्टर्स हैं वो एक्चुअल में उस प्रॉब्लम को एंजॉय नहीं करते, उनके लिए एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जिसके साथ वो डील करते हैं। हम एज ऑडियंस एंजॉय करते हैं उनको इस प्रॉब्लम के साथ, इस सिचुएशन के साथ फाइट करते हुए देखने, एंड इसीलिए इसे सिचुएशनल कॉमेडी कहते हैं। एंड जब बात आती है सिचुएशनल कॉमेडी की तो इसका मेजर एस्पेक्ट क्या होता है सिचुएशन एंड हाउ द करेक्टर्स इंटरैक्ट विद सिचुएशन। सो एक तरफ तुम तारक मेहता के करेक्टर्स को दिखाते हो डम्ब, एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है वो भूतनी वाला एपिसोड। तो याद है वो भूतनी तारों के साथ उड़ती दिखाई गई थी, तो उस केस में किसी भी करेक्टर को तारे नहीं दिखी, ना उनको पता चला रोप वर्क कहाँ यूज हुआ है और कहाँ पे कौन से प्रॉप्स का यूज करके वो भूतनी को उड़ाया गया था। बाद में ऑफकोर्स वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्यों वो इन सब चीज़ों को नहीं देख पाए, बट वो एक्सप्लेनेशन अपने आप में बहुत डम्ब होती है। बट फिर भी हमें बिल्कुल भी अनफेमिलियर नहीं लगता, हमें अजीब नहीं लगता, एंड उसका रीजन है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। हम ये मानना चाहते हैं कि ये करेक्टर्स जो गोकुलधाम में रहते हैं इतने ज्यादा डम्ब हैं, उन्हें की रोप्स नहीं दिखती, एंड उनका डम्ब बिहेवियर विद टैकलिंग सच सिचुएशंस इज व्हाट एंटरटेन्स अस। एंड जब यही करेक्टर पूरी तरह कन्वर्ट हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, जब हम बात करते हैं ऐसे कोई सोशल मैसेज कन्वे करने वाले सिचुएशंस में, तब टप्पू सेना जो इतनी शरारती है, जो अपनी शरारतों के साथ सबको परेशान कर देती है, जो करेक्टर्स इतने डम्ब हैं, वो सब एकदम से ज्ञानी बन जाते हैं। पापू जी जो खुद अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने गुस्से, अपने उसी प्यारे से नटखट से किरदार के लिए हम सब उनको पसंद करते हैं, जब वो ज्ञान देने की बात आती है तो उनका कैरेक्टर पूरी तरह इन्वर्ट हो जाता है। एंड इसके पीछे कोई पर्टिकुलर बैक्ड रीजनिंग नहीं दी जाती कि उन करेक्टर का इन्वर्जन का क्या कारण है, एंड वो इमिडिएटली पिस ऑफ कर देता है। तो वही प्रॉब्लम इस एपिसोड के साथ भी है। इससे पहले के जो एपिसोड्स थे ना, वहाँ पे जब कहीं भी सोशल मैसेज का कंपोनेंट होता था, दैट इज नॉट द प्राइमरी मोटिव ऑफ दैट एपिसोड। यहाँ पे पूरे 10 एपिसोड्स की सीरीज इसी बात पे बनी है कि हम कैसे पॉल्यूशन के खिलाफ अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें। एंड जब एक सिटकॉम के अंदर आप सोशल मैसेज प्लेस करते हो ना, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है एज अ राइटर, एज अ क्रिएटर, कि आपको जस्टिफाई करवा पाना। एंड इनका वो अभी तक तो उसे जस्टिफाई करवा पा रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दे रहे थे सोशल मैसेज, बट यहाँ पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आते हुए वो एक बहुत ज़्यादा महान नागरिक बन गए जो हर किसी को मेडल पहना रहे एक छोटी से छोटी गलती के लिए, एंड इसीलिए उनकी करेक्टर आर्क इस वजह से बीटरे हो जाती है। आई मीन कैन यू इमेजिन कि बैटमैन एक तरफ रात को मुजरिमों को पकड़ के कानून की मदद कर रहा है और सुबह वो नाके पे पुलिस वाले के साथ चालान के पीछे लड़ रहा है, हो जाएगा ना दिमाग का दही। एंड चलो एक बार के लिए इसे मान भी ले, बट द सेम थिंग व्हेन अकर्स विद अ चाइल्ड, वो छोटे से बच्चे हैं टप्पू सेना, जब उनके साथ होता है दिस गिव्स अ
कॉग्निटिव डिजनेस कि एक तरफ तुम उन्हें इतना ज्यादा डम दिखा रहे हो कि हम उन पर हंसे और दूसरी तरफ तुम उन्हें एक एवेंजर के तौर पर प्लेस कर दे रहे हो कि जो सोसाइटी की रक्षा करेंगे. एंड दीज टू थिंग्स कैन नॉट वर्क पैरेलली एंड दैट इज वेयर द डिक्लाइन ऑफ तारक मेहता शो बिगेन. जब एक सिचुएशनल कॉमेडी शो कॉमेडी के एस्पेक्ट को छोड़ के सोशल मैसेज कन्वे करने वाला शो बन जाए देन दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर ऑडियंस. और इसी चीज के बारे में बात मैंने अपनी इस वीडियो में भी करी थी कि पोपटलाल एक तरफ लड़कियों के ऊपर सिंपिंग कर रहा है और दूसरी तरफ वो पूरा शो यह ज्ञान कन्वे कर रहा है कि हर वुमन की रिस्पेक्ट करो. तो दोनों एलिमेंट साथ में वर्क नहीं कर सकते. यहाँ तो तुम्हें इनका ऐसा ब्लेंड बिठाना पड़ेगा कि ऑडियंस के लिए जस्टिफाई हो जाए ये देखना, वरना तो बंद कर दो यार. या तो सिर्फ सिचुएशनल कॉमेडी के ऊपर ध्यान दे लो या फिर सोशल मैसेज कन्वे करने के ऊपर. और ये नहीं कह रहा कि सोशल मैसेज देखने वाले ऑडियंस कम होंगी, इनफैक्ट बाकी जो सीरियल्स है उनकी तरह तुम भी एक टेम्पलेट वाला सीरियल बन जाएंगे जहां पे सास बहु के नोकझोंक होगी और लंबे चलते जाएंगे शो. एंड तारक मेहता के लिए डिसाइड करना बहुत क्रूशियल है कि वो आखिर एंड में बनना क्या चाहता है. एंड दैट सम्स अप द रीजन व्हाई तारक मेहता शो इज ऑन डिक्लाइन एंड वुड कंटिन्यू टू डू सो.